आप सभी को नमस्ते, जय आरसीएम। आज एक मानसिकता इस टॉपिक का पार्ट देखेंगे, सेकंड। बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर गहरा मनन भी करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई हमारे और लीडर कुछ अलग अलग संवाद भी देखे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्फ आईडी पर अच्छे बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ, कहीं का नहीं हुआ, वो मानसिकता भी देखी। मतलब काम दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, दोनों भी होशियार है, खुद की मेहनत, पैसा, समय, जानकारी दोनों ही देते हैं, यानी कि कार्य करते, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों आते हैं? अपने आप को सत्यता से खुद से ही पूछो, बड़ा चढ़ा कर नहीं, घुमा कर नहीं। सुनो, मैं भी एक प्रयास कर रहा हूं, इसके ऊपर आपको गौर करना है। और जो सभी जानते हैं, कुछ कॉमन बातें सभी जानते हैं, सुबह लेट उठना, तय समय से लेट पहुंचना, काम को आगे ढकेलते जाना, चिड़चिड़ाहट करना, चीजें कहीं भी रख देना, खुद को या दूसरों को कोसना, मुंह फट जवाब देना, गलतियों के कारण हमेशा अपराध बोध से घिरे रहना, जीवन में क्या क्या नहीं मिला इन्हीं बातों पर ध्यान बार बार जाना, मिसोगी होना, मिसोगी मतलब जैसे व्हाट्सएप पर कुछ महत्व का फोटो या बात देखना है, पढ़ना है, तो उसे देखने के लिए जाते, देखते 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 दूसरे ग्रुप भी देखना चालू कर देते, फिर दूसरे ग्रुप से यूट्यूब पर चले जाते हैं, एक दो घंटा कहा गया पता नहीं चलता। तो जीवन में ऐसा कहाँ कहाँ होता है जरा देखो। प्रोडक्ट की सखोल जानकारी, ग्राउंड वर्क के हालत की समझ, क्या हालत है नीचे, जरूरत क्या है, साफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर क्लियर बात न करना, मुझे लगा, आप समझ गए होंगे, ये तो कॉमन बातें हैं। आपने अगर सोचा तो आप इसे बदल सकते हैं। ज्यादातर ये लगता है, बहुत लोगों में लगता है कि दोष दूसरों में है, ये गलत है। जब भी मन कहे दोष दूसरों में है, तो अपने आप को याद दिलाना, ये महावाक्य याद दिलाना, दोष दूसरों में नहीं, दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है, दोष दूसरों में नहीं, दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है, समस्या दूसरों में है, इस विचार में समस्या है, ये वाक्य जीवन का मंत्र समझ, ये मेरी गुरु की टीचिंग है। अभी बात आती है मानसिकता की, यानी कि मेंटेलिटी की। इस कारण मन में उभरता है तो कभी कभी विश्वास की कमी, कैसे, पहले तो खुद पर ही विश्वास नहीं बैठता, अपने लोगों के प्रति विश्वास की कमी। आरसीएम कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति
आखिर विश्वास क्या है? किसी भी बात में दृढ़ता की भावना होना विश्वास है। विश्वास अच्छी और बुरी बात के लिए भी हो सकता है। विश्वास एक चुंबक की तरह है जो हमारे जीवन में सकारात्मक तथा नकारात्मक चीजें लाने की ताकत रखता है। अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो पहले विश्वास को शिखर पर ले चले। स्मरण रहे, विश्वास का दूसरा नाम ही चमत्कार है। थोड़ा इस विश्वास को और समझते हैं। बहुत ही सिंपल प्रयास कर दे। सभी को एक फोटो फ्रेम पता है, फोटो फ्रेम। जैसे अपने जिस शक्ति को, भगवान को मानती है, उसका एक फोटो फ्रेम होता है। नैसर्गिक संकल्पित चित्र की फोटो फ्रेम घर में, हॉल में, दीवार पर हम लगाते हैं, लगाई जाती है। तो क्या आज तक आपने ऐसी फोटो फ्रेम देखी है? मेरा सवाल है, क्या आज तक आपने ऐसी फोटो फ्रेम देखी है जो हर दिन अपना आकार बदलता है? आज छोटा हो गया, कल बड़ा हो गया, कभी लंबा हो गया तो कभी चौड़ा भी हो गया। आपने ऐसा फोटो फ्रेम नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा ही फोटो फ्रेम इंसान के अंदर है जो हर दिन अपना आकार बदलता रहता है, और ये है फेथ फ्रेम। फेथ यानी विश्वास और फ्रेम यानी गढ़ना, रचना। इंसान का विश्वास ही है उसकी जीवन को गढ़ता है। जीवन में कुछ घटना उसके अंदर की विश्वास जगाती है और कुछ विश्वास को कम कर देती है। यही फेथ फ्रेम आज जैसा है उसके अनुसार ही उसे खुशी आश्चर्य होता है। इसके लिए पहले आपको इस फेथ फ्रेम के चारों कोनों को समझना होगा। चारों कोनों को जोड़ने पर बनता है पहला और सबसे मुख्य विश्वास। तो जैसे देखो, ये फेथ फ्रेम, फोटो फ्रेम, और ये फेथ फ्रेम हमारी खुद की। जैसे यहां से स्टार्ट होता है, इसके चार कोने, 1, 2, 3, 4। ये जो कोना है, जैसा विश्वास वैसी भावना। दूसरा, जैसी भावना वैसा व्यवहार। यहां से जैसा व्यवहार वैसा परिणाम, और जैसा परिणाम वैसा विश्वास। इस कोने में वापिस जुड़ गए। तो इसको जरा विस्तार से समझते हैं। जो मैंने पहले कहा, जैसा विश्वास वैसी भावना। जैसा विश्वास हमारे अंदर होता है उसी तरह का भाव हमारे अंदर जगता है। यदि हमारा विश्वास बुलंद है तो हमारे अंदर खुशी, प्रेम, कार्य का उत्साह, आश्चर्य की दिव्य सकारात्मकता भावनाएं उत्पन्न होगी। इसलिए मैंने कहा, जैसा विश्वास वैसी भावना, और जैसी भावना वैसा व्यवहार। यानी कि अच्छी भावना उत्पन्न हुई, इस भावनाओं के बल से हम स्वयं के साथ, कंपनी के साथ, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सभी लोगों के साथ निश्चित रूप से सकारात्मक और प्रेम पूर्वक व्यवहार आसानी से कर पाएंगे। फिर तीसरा कोना, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। यानी कि भावना अगर प्रेम पूर्वक निकली है तो प्रेम युक्त व्यवहार के कारण जीवन में सभी के साथ, अपनी कंपनी के साथ, लीडर के साथ, टीम के साथ, यानी कि परिवार के साथ, हमारे जो रिश्ते मधुर और विश्वासपूर्ण होंगे,
स्वयं के प्रति भी हम संतुष्ट रहेंगे और ये परिणाम स्वास्थ्य मधुर रिश्ते समृद्धि हर कोई अपने जीवन में चाहता ही है। और चौथा, जैसा परिणाम वैसा विश्वास। और ऐसा सुंदर परिणाम अपने जीवन में देखकर स्वयं के प्रति, कंपनी के प्रति, लीडर, अपलाइन, डाउनलाइन, प्रोडक्ट संबंधित सभी लोग और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। और यही दृढ़ विश्वास और बड़े बड़े पिन बदलने में कारक बनेगा, साथ ही आर्थिक समृद्धि, समाज में बड़प्पन और भी बहुत कुछ बोनस में मिलेगा और ये शुभ परिणाम का कारण बनेगा। इस तरह ये फिर प्रेम का चक्र चल पड़ता है, इंसान का विश्वास आसमान की बुलंदी पर पहुंचता है। अगर इसके विपरीत यदि किसी का विश्वास दुर्बल है, अदृढ़ है, तो फिर प्रेम का चक्र उल्टी दिशा में चल पड़ता है। इसे भी समझ लेंगे, जैसा विश्वास वैसी भावना। यदि इंसान या डिस्ट्रीब्यूटर का विश्वास कमजोर या संदेह युक्त है तो चिंता, निराशा, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को ही जन्म देता है। फिर जैसी भावना वैसा व्यवहार, इन भावनाओं को चलते इंसान का व्यवहार लोगों से भी गलत हो जाता है। दुखद भाव में वो अपने साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाता है, जिसका असर उसके शरीर पर और काम पर भी होता है। जैसा व्यवहार वैसा परिणाम, तो जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसे नापसंद करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं, साथ ही उसका शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है। जैसा परिणाम वैसा विश्वास, ऐसा परिणाम देखकर दिनों दिन उसका विश्वास ईश्वर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, लोग और अपने प्रति कम होने लगता है। वो सोचने लगता है कि लोग बहुत बुरे हैं, गलत है, मैं नाकाबिल हूं, ईश्वर मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, जो इंसान को अविश्वास की खाई में गिरा देता है। क्योंकि ये नियम इंसान के जीवन में अदृश्य में कार्य करते हैं, इसे माने या ना माने, जाने या ना जाने, परिणाम तो जीवन में इन नियमों के अनुसार ही आते हैं। अभी तक जो भी बातें हुई, अगर किसी को लग रहा है ये मेरे साथ होता है या मेरी कहानी है, तो सुनो, उसे क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आप अरसिम बिजनेस में है, आप न्यू ज्वाइनिंग करने जाते रहे जा रहे, या प्रोडक्ट सेल के हेतु से जा रहे, या पिन बदलने का प्रयास हो, पिन लेवल मेंटेन करने की मंशा हो, सभी को कोई अच्छी सफलता न मिल रही हो, तो फेर फ्रेम के चारों कोनों पर कैसे कार्य कर सकता है, इस चीज को थोड़ा सा जानो। फिर प्रेम का पहला कोना हमने जो देखा, विश्वास का। अपना विश्वास बढ़ाने के लिए उसे सबसे पहले आरसीएम कंपनी के बिजनेस के प्लान की, प्रोडक्ट की जानकारी की इकट्ठी करनी होगी, साथ ही साथ समझनी भी होगी। इसके लिए आपको उन जानकार लोगों से मिलना होगा जो पहले से ही अच्छा काम करते हैं और अपने कार्य से खुश हैं। इस विश्वास कोने पर आप, मैंने तो सिर्फ इशारा किया है, इसके ऊपर आप सोच के खुद काम करें। दूसरा कोना है भावना का। ये कोने पर कार्य करने के लिए सबसे पहले उसे अपने अंदर महसूस हो रही है जो नकारात्मक भावना है, जैसे निराशा है, डर है, इसी भावना से आने वाले दुख के प्रति सजग होना होगा, इन्हें विकास की सीढ़ी समझना होगा,
साथ ही स्वयं में ये भावना उत्पन्न करनी होगी कि कार्य होना आसान है और इस काम से सफलता तो मिल ही सकती है, तो ये कोने पे आप ऐसा काम करेंगे। तीसरा कोना है व्यवहार का, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, सुबह उतनी ही जल्दी उठना शुरू करना होगा जितनी जल्दी एक सफल बिजनेसमैन होने के बाद उठना होगा। टीवी मोबाइल आदि गैजेट्स में जहां व्यर्थता है, ऐसे समय गंवाने के बजाय अपने क्षेत्र की किताबें पढ़ना, संबंधित थ्योरी प्रैक्टिकल नेट से जानकारी शुरू करना, ट्रेनिंग पाने में समय देना। सभी डिस्ट्रीब्यूटर समय का महत्व समझते हैं और सभी समझते हुए उसे सही बातों में लगाएगा तब उसके इस व्यवहार से कुदरत को सही संकेत मिलेगा। वाकई ये कार्य करना चाहता है, ना कि आलस्य में रहना चाहता है। साथ ही उसका ये व्यवहार उसके अंदर एक नया विश्वास जागृत करेगा जिससे उसकी भावना बदलेगी और इसका परिणाम यह होगा कि वह जल्द से जल्द सफलता उसको मिल ही जाएगी। इसीलिए मेरे भाइयों, इस मानसिकता को हम 100% खुद बदल सकते हैं, अपने ही हाथ में और अपनी ही ये बात है। इसलिए सबको जय हरिश्याम, जय हरिश्याम जी, जय।